सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सीए प्रियंका जैन। एंड देखो मेरी मुंह पे खुशी देखो कि ये व्लॉग बनाना और मैं कितनी खुश हूँ, जबकि मेरी पूरी जर्नी रोते रोते निकली है। फेक लाफ। सो मैं स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12th। तो 12th के बाद ना ऐसे मेरे बहुत आवाज़ आ रही है वापस। तो स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12th। सो 12th के बाद ऐसा मेरे पास कोई करियर चॉइस नहीं था, ना ही मुझे कभी सीए करना था और ना ही मैंने कभी सीए के बारे में सोचा था, ना ही सुना था, मुझे क्या होता है ये भी नहीं पता था। और मेरा ऐसा था कि मुझे यूपीएससी करना है और पापा ने मतलब पापा को वो नहीं कराना था और मुझे वो करना था, और उनको लगता था कि मेरे से क्लियर नहीं होगा इसलिए। और मुझे पहले से ही ऐसा था बचपन से कि बहुत बड़ा बनना है, बड़ा कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा बनना है। क्या करना है वो नहीं पता था कभी। मैं कभी इतनी इंटेलिजेंट किड थी भी नहीं, हूँ भी नहीं, मतलब मैं एवरेज किड हूँ। ना ही कभी टॉपर रही हूँ क्लास में और ना ही मतलब। और ऐसे फिर 12th के रिजल्ट के बाद जब मेरा मतलब अब तो फिर मैं सीरियस हो गई। मैंने 12th के समर वेकेशन में पूरा इतना इन्जॉय किया है, कोई करियर टेंशन ही नहीं, इतना इन्जॉय किया है मैंने। फिर रिजल्ट के बाद ऐसा लगा कि अब क्या करूँ, बीकॉम मुझे करना नहीं था, सीए के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था और यूपीएससी करने का सोच रही थी उस टाइम पे। बट देन मुझे लगा यार कहीं इंटरव्यू में मुझे मार दिया तो मैं वो किड हूँ ना जो आंखें बंद करके चलता है कि बस ठोकर लगी तो समझ आएगा, बस मैं वो किड हूँ। और देन मैंने बोला हाँ मतलब फिर मैंने थोड़ा गूगल किया उसके बारे में। और तब उस टाइम पे ना 1 GB नेट 200 का पूरे मंथ में आता था, तो मतलब हम लोग ऐसा था कि बहुत बहुत कम कम नेट यूज़ करते थे, बहुत कम। और फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने देखा कि भाई क्या सैलरी मिलती है सीए को, और मैंने उस बेसिस पे सीए ले लिया। ना ही कुछ उसका पासिंग रेशियो देखा, ना ही कुछ ऐसा था कि बहुत टफ कोर्स है, बस मनी देख के मैंने सीए कोर्स चूज़ किया। देन अपना स्कूलिंग गुजराती मीडियम से किया था और सीए पूरा कोर्स इंग्लिश में था, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। दैट्स ओके, आई बिलीव कि मैं अपनी मिस्टेक से ही सीखती हूँ। एंड मुझे ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे अपने पे शर्म आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि आई वॉज एक्सेप्शन इन माई एंटायर क्लास, लाइक द वे आई वॉक, द वे आई टॉक, द वे आई ड्रेस, लाइक फाउंडेशन है। तो तब मैंने CPT किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। तो मैंने सोचा वहाँ क्या इजी है, सब तो ऐसे ही पोस्टिंग कर रहे थे कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। फिर किसी ने मुझे ऐसा बोला कि बेटा अब तो तुम लोग मौत का नंगा नाच देखोगे IPCC इंटरमीडिएट में। मैंने बोला ऐसा तो क्या ही है इस कोर्स में। फिर एक महीने बाद जब बुक्स आई ना, तब मैंने सोचा तब हालत जो ख़राब हुई है मेरी। और मैं ना ऐसी की हूँ कि मुझे सारे फेस्टिवल इंजॉय करने हैं, कोई गेस्ट आए तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, आई डोंट केयर अबाउट माय स्टडीज दैट टाइम। और मेरे फ्रेंड्स आए तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर कुछ घर में बात चल रही है तो उसमें भी डिस्कशन में टप करके घुस जाना है, इस टाइप की लड़की हूँ मैं। और फिर क्या हुआ कि इंटर के बाद तो मेरी ज़िंदगी हेवन से हेल हो गई। मेरा फर्स्ट ग्रुप अच्छा था ओवरऑल, सेकंड ग्रुप में क्या हुआ कि ऑडिट की वजह से मेरा सेकंड ग्रुप रह गया। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा फेलियर देखा था अपनी लाइफ में। और उस टाइम पे ना मेरा तो मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझे मतलब जिनके मैंने डबल फेसेस देखे थे उस टाइम। बहुत क्रूशियल पीरियड था वो मेरे लिए कि वो धोखा क्या होता है, और मतलब ऐसे नए नए वर्ड्स में सीख रही थी, लोगों से सुना तो था ही पर रियल में एक्सपीरियंस क्या होता है, सो वो सब मिक्स हो रहा था। तो मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन के फेस में चली गई थी धीरे धीरे। और
वो मतलब फेलियर मैंने कभी देखा नहीं था अपनी लाइफ में। एकदम जॉयफुल कीड़ हूँ मैं, पहले से ही जॉयफुल थी एकदम। लाइक आई डोंट केयर वॉट अदर आर डूइंग और वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट मी, आई लिटरली डोंट केयर। एंड वॉट आई केयर अबाउट, वॉट आई केयर मोस्ट, माई पेरेंट्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ मी, वही मेरे लिए बहुत मायने करता है। और वो टाइम पे ऐसा था कि मुझे लिटरली ऐसा, मैं कहीं भी गाड़ी चलाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ठोकूँ मैं अपनी गाड़ी, ये करने कैसे, मतलब मैं मतलब इतनी इतनी इजी वे ऑफ डेथ के ढूंढती थी। आई बिलीव कि अगर खुद आप उस थॉट से फाइट करने की हिम्मत रख सकते हो ना, आपको कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं, इतना पावरफुल और स्ट्रांग हो। और फिर मैंने मैंने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया था 3 महीने। ये बात नवंबर 18 में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, जनवरी में मेरा रिजल्ट था, जनवरी 19, और फिर मैंने पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे जब ऐसा होता है कि मैं सोच रही हूँ वो चीज़ें, तो मुझे खुद पे बहुत प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी और को हो या ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि थैंक गॉड कि मैं आई स्टिक टू इट, मैंने कर दिखाया। और लाइक लिटरली आई जस्ट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, बट यस आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी मैटर टू मी। फिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स होते हैं फाइन सीएस के, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे एग्ज़ाम्स देना नहीं है, बाद में ही दूंगी शांति से, नहीं करना मुझे। फिर तो वो एग्ज़ाम ही शिफ्ट हो गए जून में। आई वॉज लाइक क्या भगवान जी मुझे सेकेंड चांस दे रहे हैं क्या, ऐसे लग रहा था। और फिर मैंने एक बार रोते रोते पापा को बोला कि मेरे से नहीं हो रहा, आप मुझसे मत करवाओ ये कोर्स, ये बहुत गंदा कोर्स है, मैं फेल हो गई, ऐसा ऐसे। और रोते रोते ही बोल रही थी, जैसे आपने देखा मैं बोलते बोलते ही रोते रोने लगती हूँ, रोते रोते ही बोलती हूँ। सो फिर हाँ मतलब मेरी फ्रेंड ने बहुत मोटिवेट किया था मुझे, चीनल ने, 6 days बिफोर माय एग्ज़ाम, कि दे देना भाई क्या है, एग्ज़ाम ही तो है, फेल ही, ये बहुत मोटिवेट किया था। आधा घंटा अगर उसकी भी एग्ज़ाम्स थी, पर उसने टाइम निकाल के मुझे वो उसने टाइम दिया, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और फिर वो क्लियर हो गया और फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट की, तो मेरे सर पहले से ही मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे, और ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बहुत लविंग नेचर, लविंग कल्चर और पैम्पर बच्ची थी मेरे घर की, तो मुझे वो कुछ बहुत कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा था। तो विद इन 3 or 4 months मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब क्या है यार, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये मैं जा रही हूँ यहाँ से, बस ख़त्म, बाय बाय टाटा, ऐसे वाला सीन था। और स्टिल ऐसा था कि हर वीक में मैं एक बार घर पे रोके आती थी आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग, इस टाइप की मेरी हालत हो चुकी थी। और मेरे सर को भी पता है, फिर भी मैंने 6 months लगे 8 months लगे, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तू समझती है, या फिर लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं, उनके दिमाग में कुछ और चलता है, वो होते कुछ और है। और मेरा दिमाग कभी ऐसे, मुझे ऐसा समझ ही नहीं आता, लोग ऐसा करने की जगह पे खुद मतलब अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, ऐसे डबल फेस लेके वो कहाँ ही जाएंगे, जाना तो उसको ऊपर ही है, पर ठीक है छोड़ो अपने को क्या। फिर ऐसा हुआ कि मैंने धीरे धीरे आर्टिकलशिप ख़त्म की, और मैंने फिर फाइनल स्टार्ट हुआ, तो फाइनल के ड्यूरिंग मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे भी मेरे समथिंग अराउंड 1,40,000 फॉलोअर्स हो चुके थे 2020 में। तो तब तक ऐसा था कि ठीक है मज़ा आ रहा है, और ऐसे में ऐसा नहीं था कि मैं बहुत टाइम स्पेंड करती थी उस पर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लोगों को भले लगता हो, लोगों को लगने के लिए कुछ भी लगता है, पर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है सबको आंसर करने के लिए, मुझे इतना पता है। और देन क्या हुआ कि वो बैन हो गया, वो भी मुझे अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि लिटरली अब ना ही पर्सन मुझे अफेक्ट कर देते, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें कि जो चली जाए वो अफेक्ट करती थी, इतना मतलब मैंने अपने आप को स्ट्रांग बना दिया था। आफ्टर मैंने लीव लिया, तब मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, गाड़ी पूरी डूम, उसमें से जैसे जैसे बाहर निकले तो मतलब, तो मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया 4 महीने पहले ही एग्ज़ाम के,
और उसके पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत छोटा एक्सीडेंट था, बट स्टिल इट मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या से भी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसे सब मेरे फैमिली के साथ ही क्यों हो रहा है। और क्या बोल, जब मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था तब मम्मा का ये पूरा राइट क्लेविकल ब्रेक हो गया था, ऐसे होता है, वो ऐसे हो गया था। सिर्फ दो ही पर्सन मैटर करते हैं, मेरे मम्मा और मेरे पापा, बस इन दोनों के जितना अच्छा शायद कोई नहीं है इस दुनिया में। सबके मम्मी पापा अच्छे ही होते हैं उनके लिए, पर ये एज अ पर्सन भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और फिर 4 महीने ही थे एग्ज़ाम में, फिर मैंने सोचा कि क्या करूँगी 4 महीने में, अभी मेरे लेक्चर्स भी नहीं हुए ना ही रिविज़न, तो बहुत दूर की बात है। फिर सोचा सिर्फ एक ही ग्रुप देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं ये अटैम्प्ट स्किप करके नेक्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालूँ, क्योंकि एक साल में इतना सब कुछ देख लिया ना, पहले भैया का एक्सीडेंट, देन पुलिस वाले, कोर्ट, वकील मतलब लॉयर्स, एंड देन मम्मी का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल के चक्कर खाना, मम्मी का ऑपरेशन था फेब में और मई में मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो वो सब ना बहुत मिक्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो फिर ऐसा हुआ कि मैंने मई में सिर्फ एक ही ग्रुप दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं एक ग्रुप निकाल सकती हूँ कुछ भी हो जाए, तो मैंने एक ही दिया, एक निकल गया। सिर्फ 2.5 मंथ की प्रिपरेशन की थी मैंने, 2.5 मंथ में ही प्रिपरेशन की थी, ना ही मुझे याद था कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि इतना सब आपके आसपास चल रहा है, मम्मा बीमार है, मम्मा का बेड रेस्ट है 2 महीने से, तो आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, उनकी केयर करना, फैमिली की केयर करना, सब कुछ। और फिर ऐसा था कि एक ग्रुप दिया, एक निकल गया, धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा। हाँ, तो मैंने नवंबर में दूसरा ग्रुप दिया और वो भी लकीली निकल गया बोल सकते, क्योंकि मैंने एक ही महीना प्रिपरेशन की थी और निकल गया वो भी। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट माई सी ए जर्नी गाइस, यही थी जो मैं मोटा मोटी रिमेम्बर कर सकती हूँ। बहुत कुछ है ऐसे, मतलब 5.5 साल लगे मुझे ये कंप्लीट करने में, लोगों को नॉर्मली 4.5 लगता है, मुझे 5.5 लगे, और मुझे उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। पर ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। और मेरे लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यस दे नो हु आई एम।